जहाँ तक घर जाने का सवाल है कि घर कितना दिन में जाते हैं? ये हम पोहा मंगाए हैं और ये समोसा मंगाए, एक चीज समोसा खाएगा। ये दोस्तों मेरा मसाला भूज गया है, हम मसाला भूज चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम नागपुर में खड़े हैं, नागपुर में यहाँ पर रात भर बारिश हुआ, मैंने जो चले हम लोग वहाँ से ना नांदेड़ से पूरा बारिश रात में चल रहा है, पूरा पानी भरा हुआ। देखिए अभी जाकर के बारिश पर छूटा है तो बहुत बारिश मिला, बारिश तो एकदम बहुत ज़्यादा था। यहीं अभी खड़े हम, यहाँ अपन लोग का पंप है, तेल ले करके निकलेंगे, अपना खाता चलता है सेट का। झारखंड में बारिश नहीं है, इधर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं कब तक निकलेंगे हम यहाँ से। तो आज दिन भर प्रोग्राम क्या होता है हमारा, आज रात तक रायपुर पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, बताते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, नागपुर भांडरा में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, हम सब घर सब में पानी चढ़ल है, पानी बहुत ज़्यादा हुआ ना इधर बाढ़ आ गया है, थोड़ा बाढ़ टाइप का है, ऐसा तो बाढ़ नहीं है लेकिन बाढ़ टाइप का है। आए अभी नाश्ता करने, देखते हैं नाश्ता में क्या मिलता है। ये देखिए जैन मथुरा रेस्टोरेंट, और ये महाराष्ट्र का नाश्ता क्या रेट है। पोहा मंगाया है, ये पोहा और ये समोसा मंगाया, एक चीज समोसा खाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, पोहा खाते हैं अभी। ये देखिए रोहित ने लिया है नाश्ता, यहाँ पे एक प्लेट का 30 रुपया, दो समोसा 30 रुपया। ठीक है, समोसे का साइज भी अच्छा है। दोस्तों समोसा का साइज तो बड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए चटनी का जगह प्याज, सब्जी का जगह प्याज दिया है। दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह तो निकल गए वहाँ से, रास्ता में चल रहे हैं तो बहुत सा नाला जो छोटा छोटा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ पानी से, तो जैसा ये नाला वो जो भरा हुआ दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है। और भंडारा का जो पुल है, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमको लगता है कि छोटा वाला पुलिया कम से कम तो पानी वहाँ तक आ गया होगा, जो पहले हम लोग पुराना रोड से जाते थे भंडारा में, वो वाला में अनुमान है हमको, ऐसे अभी देखेंगे ही, जाहिर है अभी। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, एक सब्सक्राइबर फिर भी किए थे, हो सकता है आप कुछ जलाना वीडियो नहीं देखे होंगे। वो हम बोले हैं कि हम झारखंड रामगढ़ से रहने वाले हैं, और वही रामगढ़ रांची के पास जो रामगढ़ है, रांची से 50 किलोमीटर आगे, मतलब रांची रामगढ़ फिर हजारीबाग और रांची के बीच में रामगढ़ पड़ता है। तो दोस्तों सिल्वर प्ले बटन में तो बताए थे कि पूरा फैमिली का दिखाएंगे, लेकिन मिस्टेक क्या हो गया कि हम लोग सब फैमिली साथ में नहीं थे, तो इसके चलते हम लोग नहीं दिखा पाए। अब मान लीजिए कि एक लड़का हमारा रह गया था वो बाहर, सागर जो आप देखे थे, रोहित और सागर का वीडियो बनाता है साथ में, वहीं रह गया था पुरलिया में, और एक छोटा एक मंझला वाला बीच वाला जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था, एग्ज़ाम था उसका, तो मज़ा नहीं आता ना, इकट्ठे सब रहेंगे हम लोग तो अच्छा लगेगा वो बनने में। तो देखते हैं हम कोई त्यौहार या कोई ऐसे, तो हम लोग नसीब में तो त्यौहार है नहीं, रक्षाबंधन तो पता नहीं कहाँ कटेगा, अभी 15 अगस्त आने वाला है, वो फैक्ट्री में रहेंगे कि बाहर में रहेंगे कहाँ वो अलग बात है। जहाँ तक घर जाने का सवाल है कि घर कितना दिन में जाते हैं, घर तो दोस्तों कोई ठीक नहीं है हमारा। अब वो गाड़ी में थे उसमें भी जाते थे 15-20 दिन लग जाता था, लेकिन ये गाड़ी थोड़ा लंबा रूट में चल रहा है, तो इसका महीना में जाएंगे, 1.5 महीना में जाएंगे कि रामगढ़ का माल हो गया, रामगढ़ का ही माल निकलता बहुत।
ठीक है दोस्तों, आने दीजिए पुल नदी भंडारा वाला, दिखाते हैं आपको कितना पानी उसमें है। देखिए यही वाला है, मतलब बारिश तो है, अच्छा है, और एक दो दिन होगा तो पानी चढ़ सकता है इसमें। जब तक से हम चल रहे हैं रोड में, मतलब खलासी पना कर रहे हैं जिसको कनेक्ट्री बोलते हैं, तब से अभी तक कभी इसको हम सूखा नहीं देखे। देखिए हम लोग का ड्राइवर लोग का नहाने का जगह है, अच्छा है, सरकार ने दिया हुआ है, अच्छा मतलब साधन दिया हुआ है। एक तो एक दो जगह ऐसे देखा जाता है, फैक्ट्री इलाका में रहते हैं, इंडस्ट्री एरिया में, तो गलत जगह रहते हैं, नहाने का नहीं मिलता है चार दिन, कहीं चलते थोड़ा बाल और गंदा दिखता है, कि एक दिन नहीं नहाएंगे तो बाल गंदा दिखता है, कहीं रोज नहाना पड़ता है हमको, आगे तो एक दिन छोड़ देते थे। दोस्तों खाना पीना की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी फोर लाइन में जो बना हुआ है हाईवे वाला की तरफ से शौचालय बना हुआ है, नहाने के बाथरूम वगैरह, अभी नहा का आए वहाँ से, तो नहा का आए हैं, तो अभी दोस्तों हम लोग चले खाना बनाने। जहाँ जैसे जो मिल जाता है बढ़िया ताज़ा चीज़ तो हम ले ही लेते हैं, अभी गोभी यहाँ ताज़ा मिला तो ले लिए, देखिए फूल गोभी बहुत अच्छा लगा तो ले लिए हम लोग, तो मिल जाता है कोई सब्ज़ी तो बन जाता है, अब नहीं मिलता कहीं मजबूरी में तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए कि गोभी यहाँ दिखा, अच्छा दिखा, फ्रेश दिखा, दो ठोली है तो एक किलो से कम ही हुआ है, 70 रुपया हो ही गया लगभग। हम लोग को मतलब सबसे बढ़िया आइए ना कि हम झारखंड का है तो उसका बड़ाई कर रहे हैं, झारखंड और बंगाल में जो हरा सब्ज़ी आपको मिल जाएगा वो दूसरा स्टेट में कहीं नहीं मिलता है। वहाँ का मटर जो मिलेगा, मटर छीमी जिसको बोलते हैं, उसको आप मतलब ऐसे ही खा जाइए 1 किलो, इतना बहुत लोग गाड़ी में जाता है तो सब झोला में भर भर के ले आता है। हरा सब्ज़ी जो है झारखंड बंगाल बिहार ये सब जो है हरा सब्ज़ी ठीक है। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं अभी सब्ज़ी। दोस्तों ये जो सुविधा है ये फोर लाइन वाले का दिया हुआ है, तो हमारा समझ में ये नहीं आता है, जब ये हिंदुस्तान है, नितिन गडकरी साहब ही है हम लोग के परिवहन मंत्री, तो उनके अंडर में ही सब आता है सब, तो ये सुविधा हमारा झारखंड में क्यों नहीं है, बिहार में क्यों नहीं है, उधर भी फोर लाइन बना है, वहाँ भी टोल टैक्स देते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर ये सुविधा नहीं है। ये हमको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और भी स्टेट में है, लेकिन जहाँ तक हम बता रहे हैं कि हमको बंगाल में, झारखंड में, बिहार में ये सब सुविधा हमको नहीं दिखता है, कि हाँ गाड़ी वालों के लिए पार्किंग बना हुआ है, लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, नहाने का बना हुआ है, ये सब नहीं मिलता, जबकि मंत्री वही है, सब चीज़ है, तो वही हम लोग को लगता है कि भाई पुल टैक्स हम लोग वहाँ भी देते हैं, यहाँ भी देते हैं, तो यहाँ देखिए कितना अच्छा है, महाराष्ट्र में ड्राइवर लोग के लिए बना दिया है, यहाँ नहाओ धोआओ फ्रेश हो, गाड़ी लगाने का पार्किंग बना हुआ है, लेकिन हमको ये सब ना झारखंड में मिला, वहाँ तो टोल टैक्स जो है वहाँ भी टॉयलेट नहीं है जहाँ टोल टैक्स है, तो मंत्री वही है, लेकिन फिर वो इन यहाँ पे है वहाँ नहीं है। यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं है, काफ़ी दूर में है, तो यहाँ हम लोग के लिए बना हुआ, तो हम लोग का भी इंतज़ार है कि नहीं वहीं पे जाकर रुकना है, नहाना धोना है, यहाँ पर हम लोग के लिए राशन दुकान खुला हुआ है, मतलब गांव वाला कोई खोल लिया, सब्जी वाला खोल लिया, उसका भी काम चल रहा है, हम लोग का भी काम चल रहा है, कहीं कहीं ऐसा जगह है भी कुछ बना हुआ, पानी नहीं है, गोला के पास में एक टोल टैक्स है, वहाँ पे एक दिन हम गए बाथरूम में, अंदर पानी नहीं है, बाथरूम बना हुआ है पानी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका बना के, हम मुतला भूल चुके हैं।
अब ये पानी थोड़ा डाल के ये इसको थोड़ा आलू को गोभी को सिझा देंगे। अब ये पकने दो, उसके बाद ये करेंगे। देखिए आलू गोभी का सब्जी बना है आज को, कुछ चेंजिंग तो आया है ना, चेंजिंग आया है कुछ। झारखंड, बंगाल, यूपी, बिहार, ये चार को स्टेट है, ऐसा स्टेट है बोलता है। भले आदमी बोलता है जगह गलत है, स्टेट गलत है, इतना मतलब लोगों को वहाँ का कमी नहीं है खाने पीने का चीज बता दे। वहाँ उसमें रेट ज़्यादा है ना, पैसा ज़्यादा लेता है, वहाँ कोई भी चीज़ लीजिए आपको सस्ते में मिलेगा। उधर का तो खेती होता है ना, महाराष्ट्र में भी खेती होता है, लेकिन ऐसे खेती लोग सब्जी का उतना नहीं करता है। वही लगाएगा संतरा, तो लगाएगा अंगूर, तो अनार, ये सब लगाएगा। ये सब उधर महंगा है। हाँ ये सब उधर महंगा है, इधर सब्जी भी लगाता है सब्जी, लेकिन हमको समोसा में बहुत जोर झटका लगा था। फिर समोसा, समोसा की याद रहेगा। समोसा हम पहली बार 80 रुपया में लाइफ में खाए थे, 80 रुपया का समोसा खाए। तो हेड लिस्ट में लिख करके रख दो। हेड लिस्ट में तो लिखा ही क्या, वो जगह में अब हमको जाना ही नहीं है। रांची का सब्जी रायपुर आता है ये हम जानते हैं, छोटा गाड़ी से बहुत आता है। इधर का कुछ सब्जी है वो भी जाता है, जैसे पूरे ही देखे हैं, बंदा को भी देखे हैं, बिलासपुर वगैरह जाता है, फिर बिलासपुर से छोटा गाड़ी में रांची वगैरह भी जाता है। उलट पलट होते रहता है सीजन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, मैं खाना निकल चुका है, वो चले खाना खाने। दोस्तों शाम का टाइम हो गया, मेरा चाय का टाइम आ गया, ये पार्ले बिस्कुट के साथ। सुबह से केवर की आज सुबह नाश्ता वास्ता थोड़ा सा हो गया ज़्यादा ही, तो इसी लेके थोड़ा मन नहीं कर रहा, साथ साथ खाने का मन कर रहा है, तो चाय बिस्कुट। देखिए दोस्तों मेरा उस्ताद का जो हुआ है ना, काबू सुबह नाश्ता जानते पेट भर के जबरदस्ती करता है, और सुबह से 10 बार गया है बाथरूम। तो टोटल गिना है तुम? टोटल गिने नहीं रहे हैं, आप कहाँ जा रहे, कहाँ हाँ, कर रहे, कर रहे हैं, वैसा बात नहीं है, थोड़ा सा है गड़बड़। सुबह जो सेव भाजी खाए थे ना, उसमें मिर्ची पाउडर कुछ ज़्यादा ही था, झाल ज़्यादा ही था, उसके कारण हो जाता है। अभी हम दवा लग दिए हैं, ये देखो थोड़ा मेडिकल दवा लगाए हैं। क्या नाम है दवा का? डोलो 650। कौन दवा का नाम याद रखा है? डोलो 650। तो चाय पी निकले यहाँ से, कल सुबह सुबह हम रात में पार करेंगे, थोड़ा धुरुक भिलाई विलाई सिटी उटी में रात में पार करेंगे, सुबह रायपुर में रहेंगे, फिर चाय पी निकलते हैं। दोस्तों आज हमारा रात का सादा खाना बना है, एकदम दाल तड़का, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। मीट मछली खाने वाला आदमी गुजारा करना। बैगन तो बैगन आप डालो, तुमको ये हो गया? नहीं हमको तड़का पसंद आता है, लेकिन लाहर दाल उतना नहीं पसंद आता है, खाते हैं उसे बात नहीं खाते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोग चले खाना खाने, हम लोग देवरी बॉर्डर पे खड़े हैं, यहीं पे खाना बना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गए हैं रायपुर में, रात में थोड़ा सा जाम में फंसे रहे हैं। मुस्लिम भाइयों का त्यौहार था मुहर्रम, तो उसी में थोड़ा जुलूस वगैरह निकला था, तो उसी में रात फिर थोड़ा रात जगना पड़ गया ज़्यादा, बहुत काफ़ी रात हो गई यहाँ आने में। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पर, तब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।